और राकेश मिश्रा जी आ चुके हैं, अभी हम लोग उनसे वार्तालाप करेंगे और आगे आपको सर समर सिंह की गिरफ्तारी। पहले सुन लीजिए बात, मुझे एक बात का सबसे ज्यादा दुख है, उस पर तो आपने बात ही नहीं किया। आज आकांक्षा दुबे का 13वीं है, पूरा भोजपुरी समाज कहाँ है इसका जवाब है? पूरे सारे भोजपुरी कलाकार कहाँ हैं? अब आप पहले ही बीबीसी लंदन बन जाएगा तो आप जैसा पत्रकार को हम क्या बोल पाएंगे? हम 13 दिन बाद आ रहे हैं, आपको पता है कि मेरे प्रॉब्लम था, मैंने ऑलरेडी ऑफिशियल अनाउंस किया था, तो जानते हुए इतना गंदा सवाल कैसे बोल सकते हैं आप? आप तो अपने टीआरपी के लिए दिन भर आकांक्षा दुबे का दुआरिया गोरे हैं। हमने कभी आपको बोला आप अपने टीआरपी के लिए काम? पहले बात सुनिए, जब हमने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया कि तबीयत खराब था, 10 दिन से फ्लाई नहीं कर रहा था, बट आज मैंने क्या बोला कि आज 13वीं थी श्रद्धांजलि सभा में, पूरी इंडस्ट्री में कहाँ सारे लोग हैं, कौन आया कौन? मैंने पहले बात एक पारिवारिक सिस्टम पे की, मैंने बात किसी के लिए और किसी के लिए नहीं की, मैंने ये बोला कि इस सबको पता है दुनिया में कि सुख अलग चीज है बट दुख अलग, इसीलिए किसी की तकलीफ को ना बार बार कुदेरना, बार बार उसी चीज को वो करना, वो बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि हम ये कोशिश करें कि जो किसी भी तरह से, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है, अगर ये घटना हो भी गया तो आइंदा से इस परिवार के साथ सबको खड़ा रहना चाहिए, और आइंदा से कोशिश है कि हे भगवान कभी भी हमारे इंडस्ट्री को किसी की नज़र न लगे। मुझे प्राउड है इस टोटल सोशल मीडिया वाले भाइयों पे, आप लोगों ने आकांक्षा दुबे के मैटर को जिस तरह से हर बात को हर घर हर कानों तक पहुंचाया है, उतना हमारे लोग खड़े नहीं हैं जितना आप लोग खड़े हैं, और मैं आप लोग का गर्व हूं। राकेश मिश्रा एक कलाकार हैं, वो सरकार नहीं है, जज नहीं है, उनके लिए भी न्यायालय है। एक सवाल हम किसी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं और हर दिन बात रख सकते हैं। 13 दिन से देख रहा हूँ कि जितने भी भाई हैं, मैं आप लोगों का जो ये वर्किंग है ना, वो देख के एक बात तो समझ में आया कि भाई आप लोग में बहुत दम है, आप लोगों ने वो काम किया है, आवाज़ को उठाया है और आप लोगों ने अपनी बात रखी है, मुझसे भी अपनी बात रखी, सॉरी मेरे भाई। सर आरोपी आरोपी पर कुछ बोल दीजिए दो सर, देखिए क्या कहेंगे समझ नहीं, मैं सीधा बात बोल रहा हूँ, आप जिसको जो कुछ भी बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला, जिस दिन वो लिख के आ जाएगा कि वो फलाने हैं, उस दिन आपको पूछना नहीं पड़ेगा, ये भी बोलेंगे, ये भी अगर सर आरोपी पाए जाते हैं तो क्या होगा? पहले बात तो सुनिए, लेकिन क्या बोला, ये कौन, ये घोषित कौन करेगा? न्यायालय में जज साहब बैठे हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, सिर्फ जैसे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं वैसे उनके लिए साथ देना है, क्योंकि वो जो आत्मा है ना वो परमात्मा के पास चला गया।